हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संगीता से रेसिपी में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज चावल बनाने की विधि बता रही हूँ। इस कोरोना काल में सब चीज में गर्माहट चाहिए, तो मेरा दिमाग में आया कि मैं चावल भी उसी प्रकार बनाऊं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा नीचे अदरक जो है खोल रहा है और ऊपर में दालचीनी प्लस जीरा और इलायची मैंने डाला है, लौंग, और इसमें मैं चावल डालूंगी प्लस शुद्ध घी 1 चम्मच। अब मैं इस खौलते हुए पानी में चावल के पहले से धोकर रखी हूँ उसे ऐड कर रही हूँ। इस तरह का बना हुआ चावल खिला खिला और ये कोरोना के भी रोकथाम में काम आएगा। आप चावल अच्छे तरह से खा सकते हैं। मैंने 2 आदमी के लिए चावल लिए और ये है अरवा चावल जो 2 मिनट में ही पक जाएगा। पहले से इसे साफ करके और धुल के रखना है। देखिए पानी की तरह से खौल करके लाल हो गया है। अब इसमें मैं चावल को डालूंगी और फिर इसे इस पानी को चावल होने के बाद पसा भी दूंगी। आप चाहे तो इस माड़ का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि इस माड़ को इसमें स्टार रहता है, जिसको शुगर है वो तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे गरम गरम माड़ में, क्योंकि इसमें सारा मतलब जैसे कि गोलकी इलायची जीरा दालचीनी है, तो आप इसमें बाजार के लिया हुआ सूप को ऐड करके आप सूप का प्रयोग कर सकते हैं जिसे शुगर ना हो। अब इसमें और चावल को साफ करने के लिए 1 चम्मच दूध भी दे सकते हैं। इसमें मैंने इसमें दूध ऐड कर रही हूँ जिस चावल खिला खिला दिखेगा। और इसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े अंतराल पर चलाते रहिए। इसमें 3 बात नोट करने की है। पहला तो घी जो मैंने डाला है, देखिए घी है, शुद्ध घी जिससे चावल खिला रहेगा। दूसरा, जो मैंने आप लोगों को दालचीनी इलायची और जीरा जो दी है जिससे कि कोरोना को भगाने में काम आएगा। और तीसरा, जो दूध मैंने डाला है उससे चावल खिला खिला नजर आएगा, आपको मैं बनाकर बता रही हूँ। और गैस को फ्लेम को ऊपर कर दीजिएगा। एक बार अच्छा तरह से इसमें उबाल आ जाए फिर आप इसे कम कर सकते हैं। आपको पता भी है कि अरवा चावल बनाने के लिए फूल ताव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जल्दी बन जाता है और सामने रहकर ही बनाना चाहिए, नहीं तो गीला होने का डर रहता है। इस तरह से निकाल लें और इसको चिप कर देखें। देखिए अच्छे तरह से मिस जा रहा है, यानी कि ये हो गया है। ठीक है, देखिए अब इस चावल को हम पसा देते हैं। ये इसे माड़ बोला जाता है, लेकिन इस माड़ का प्रयोग लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम शहरी लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इस माड़ में आप बाजार का सूप को ऐड कर दीजिए और यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें 2 मिनट के लिए चला लीजिए
और उसमें इसमें आप गाजर मटर और धनिया पत्ता डालकर सूप बना सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए ये तो चावल हो गया है, आप खिला खिला पहले चावल तो देख लीजिए। दालचीनी और अदरक, इलायची वाली चाय, सॉरी चावल हमने बनाया है और खाने में भी टेस्टी लगता है। आप लोग चाहे तो एक चम्मच नमक भी डाल सकते हैं, जो इसमें नमकीन नमकीन का भाव है और जिसे नमक से परेशानी है वो इसी तरह से बनाए। देखिए इसमें लौंग भी है और ये दालचीनी भी दिख रहा है। तो आप लोगों को चावल बनाने की विधि जरूर पसंद आएगी और आप लोग जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैंने अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है।